नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। खबर राजस्थान के जैतारण से है, जहां 4 दिवसीय श्री संकट मोचन हनुमान वार्षिकोत्सव 13 फरवरी से ब्यावर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान परिसर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री सीमेंट इकाई प्रभारी पीके भारद्वाज ने बताया कि 13 फरवरी गुरुवार को सुबह 8:15 पर अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ, देव स्थापना पूजा और मंत्र जाप होगा। 14 फरवरी को सुबह 9:45 से अखंड रामायण पाठ पूर्णाहुति, 15 फरवरी को सुबह मंगला आरती, श्रृंगार आरती, अभिषेक, साथ ही शाम को शोभा यात्रा और शयन आरती होगी। साथ ही 16 फरवरी को शाम संगीतकार अरमान मलिक द्वारा संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। सदैव की भांति पूजन आरंभ करते हैं। दिनांक 13 फरवरी गुरुवार को अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ होगा प्रातः 8:15। जाप जो है नीचे मंदिर प्रांगण में ही घर में रखा गया है, वो उसका आरंभ होगा। तत्पश्चात 14 फरवरी को शुक्रवार को देव पूजन प्रातः 9:15 और उसके साथ ही अखंड रामायण पाठ का आयोजन रखा गया है, और जिसकी पूर्णाहुति जो है सवेरे 9:15 होगी। दिनांक 15 फरवरी शनिवार से एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें मंगला आरती प्रातः 6:00, श्रृंगार आरती प्रातः 7:15 और उसके पश्चात जो है अभिषेक, सदैव की भांति पूरा जो हमारा बांगड़ परिवार है वो अभिषेक में शामिल होंगे, और 9:30 से लेकर 11:00 तक मंदिर में अभिषेक का आयोजन रखा गया है। 20वां वार्षिकोत्सव जो मनाया जा रहा है वो 15 और 16 फरवरी के दिन मनाया जाएगा, और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है वो 13 फरवरी से शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पर में विभिन्न कार्यक्रम, शोभा यात्रा, कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आप लोगों को पता है। इस वर्ष भी उसी धूमधाम से, उसी जोश व खरोश से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी जो भी शेड्यूल है प्रोग्राम का, उसके बारे में भारद्वाज जी अभी आपको ब्रीफ कर देंगे। मैं आप लोगों प्राइम न्यूज 24 के लिए विक्रम दया की रिपोर्ट।